नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी के खास पेशकश। यह मकान बिकाऊ है। आज हम बात करेंगे ऐसे शहर की जो कभी गंगा जमुनी संस्कृति का परिचायक था, लेकिन अब सवाल खड़ा हो गया है, क्या वाकई अब मेरठ शहर सांप्रदायिक आधार पर विभाजित हो चुका है? यह विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हो रहा है। बसावट कुछ इस तरह हो गई है कि एक धर्म विशेष के लोग ही इर्द गिर्द रहेंगे, दूसरे संप्रदाय को वहां रहने की या तो इजाजत नहीं है या फिर ऐसा माहौल खड़ा कर दिया जाए कि एक संप्रदाय के लोग अपना घर बेचकर वहां से चले जाएं। घर बेचकर जाने का कारण भले ही सांप्रदायिक हो या फिर बेहतर आवास, लेकिन सच यही है कि शहर के प्रहलाद नगर वासी कहीं और अपनी दुनिया तलाश रहे हैं। कुछ समय पूर्व यह स्थिति कैराना में देखी गई थी, लेकिन अब ये हालात यहाँ भी प्रहलाद नगर में बन गए हैं। कबीलियाई संस्कृति बहुत तेजी से शहर को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। यहाँ हम बात कर रहे हैं लिसाड़ी गेट थाना अंतर्गत प्रहलाद नगर की। यहाँ हर मिलाप इंटर कॉलेज, 2 प्राथमिक विद्यालय व 15 धार्मिक स्थल, मंदिर गुरुद्वारे स्थापित हैं। पिछले करीब 70 साल से इस इलाके में पंजाबी समुदाय का दबदबा रहा है, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। इलाके की कई गलियां ऐसी हो गई हैं जिनमें बहुसंख्यक परिवार ही रहते थे, लेकिन अब अल्पसंख्यकों का कब्जा हो गया। यह कब्जा जबरन नहीं है, अपितु किसी एक बहुसंख्यक ने ज़्यादा कीमत पर अपना मकान बेचा तो फिर दूसरे को बेचना तो जैसे मजबूरी ही बन गया। मौके पर जो हालात आज फर्स्ट बाइट की टीम को देखने को मिले, उसका जायजा करा रही हैं हमारी संवाददाता प्रेरणा तलवार। तो कैराना के बाद अब मेरठ में भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर भारी संख्या में हिंदू वर्ग के जो लोग हैं वो अपना मकान छोड़ कर जा रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर मुस्लिम लड़के उनकी बच्चियों के साथ पर बदतमीजी करते हैं, बदसलूकी करते हैं और रोड पे उनका निकलना मुहाल होता जा रहा है, जिस वजह से वो घर छोड़ कर जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, यहाँ पर जी बताइए, क्या नाम है? मेरा हिमांशु। क्या माहौल रहता है यहाँ पर, क्यों मकान छोड़ने के बाद? ऐसा है, सामाजिक तत्व यहाँ पर आते हैं और बाइकों पे स्टंट करते हैं, हुड़दंग करते हैं, तो इससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। यहाँ की जो लेडीज़ हैं उसका निकलना भी जो है ना भारी हो जाता है और बहुत दिक्कत की सामना हम लोगों को करना पड़ता है यहाँ पर। तो इसलिए ये जो मकान का वो है सिलसिलेवार जो है ये स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर कुल 300 मकान ऐसे हैं जहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, तो 150 मकान अब तक खाली हो चुके हैं। आप जानते हैं किसी को जिन्होंने इस वजह से मकान खाली? जी मैडम, काफी लोग, सारे लोग उन्हें ही मकान, मतलब दूसरे वर्ग को ही मकान बेच रहे हैं, अपने को नहीं दे रहे, और काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये मकान बेचे हैं। जी बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम पुनीत है। क्या चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर एक कॉलोनी है, छोटी सी कॉलोनी है, 250-300 परिवार रहते हैं, लेकिन यहाँ बराबर से बहुत सारा ट्रैफिक निकलता है, हमारी गलियों में से निकलता है। ये कोई नॉर्मल सड़क नहीं है, ये मोहल्ला है, लेकिन इसमें से हाई स्पीड पे अगर बाइक कोई निकालेगा या अपनी कार निकालेगा या ट्रक निकालेगा तो हमारे लिए यहाँ पर अपने घर से बाहर निकल कर सामने वाले घर में जाना मुश्किल हो गया, क्योंकि पता ही कितने ही एक्सीडेंट हुए। हमने पुलिस को भी कहा, हमने प्रशासन से भी कहा, लेकिन अगर वो इन घटनाओं को छोटी घटना मानते हैं कि कोई बात नहीं ये तो होता रहता है सड़क पर, लेकिन अगर छोटी घटनाओं पे ही ये लगाम लगा देते तो वो इतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि किसी ने टक्कर हो गई, उन्होंने कहा छोटी घटना है, फिर क्या हुआ, विवाद हो गया, फिर वो दूसरे पक्ष के लोग बंदूक ले आए, उन्होंने कट्टे से फायरिंग कर दी, ये अखबार में आया, झगड़ा हुआ, हमारे यहाँ के लोग घायल हुए, अस्पताल भर्ती कराना पड़ा उनको, फिर 2-3 दिन सकती रही, नॉर्मल हो गया। अब कुछ दिन बाद फिर लोग आ गए, उन्होंने दोबारा से फायरिंग कर दी। अब यहाँ तो दहशत में आ गए, जो बच्चे बाहर खेल रहे हैं, महिलाएं घर पे हैं, उन्होंने फायरिंग की आवाज़ सुनी, वो कहते हैं हम यहाँ कैसे, तो हमारा तो यहाँ रहना मुश्किल हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो मकान छोड़ने का रीज़न है वो ये है कि दूसरे पक्षों के लोगों की तरफ से जो वाद विवाद के किस्से बार बार सामने आ रहे हैं, ये रीज़न है? बिल्कुल पूरा रीज़न है। और एक और बहुत बड़ी वजह है कि जो दूसरे लोग यहाँ से आते हैं उनका इन मोहल्ले से किसी से जानकारी नहीं है, उनका कोई लगाव नहीं है, वो लड़ने मरने को तैयार रहते हैं, और अगर हमारे पड़ोस के भी कोई लोग हैं वो ध्यान रखते हैं, लेकिन दूसरे लोग जो बाहर जाम लग गया वो चलो वहाँ से ना चल के गलियों में से निकल जाओ, उनके लिए कोई जुड़ाव नहीं है हमारे से। तो क्या आप खुद अपना मकान बेचने के लिए? बिल्कुल, अगर यही समस्या रही तो हमें भी जाना पड़ेगा यहाँ। तो इसकी लिखित में कोई शिकायत नहीं दर्ज की गई, क्योंकि मकान छोड़ देना इट्स नॉट अ इजी टास्क। आप पूरा मकान बेच रहे हो, नया खरीद रहे हो, क्या हर लोग यहाँ पर मकान बेच देगा? तो फिर एक तरीके से तो ये भागना हो। बिल्कुल, लेकिन जान से ऊपर तो नहीं है ना, अगर हमारी जान पे ही बनाएगी तो हमें तो जाना पड़ेगा, हमें व्यापार बंद करने पड़ेंगे, नई जगह जाना पड़ेगा, नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी। इतनी दहशत का माहौल है यहाँ पर कि मकान बेचना ही
आपके सामने ये ट्रक खड़ा है, ये जा रहे हैं यहाँ से, कैमरा पर्सन खड़ा है और ये आज जा रहे हैं यहाँ से। इन्होंने मकान बेच दिया है, दूसरे पक्ष को बेचा है, यहाँ का नहीं बेचा, और ये परेशान है क्योंकि इनके सामने ये दुकान है, यहाँ पर चार छह लड़के खड़े होते हैं। दुकान भी आप देखिए यहाँ पर, ये इस दुकान की आप बात, बिल्कुल इस दुकान की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लोग सिगरेट पीते हैं, शाम को खड़े होते हैं, यहाँ महिलाएं निकलती हैं अपने कुछ सामान घर का जरूरी सामान लेने निकलती है, वो नहीं निकल सकते। आप यही रहते हो कितने साल? हमें तो हो गए 60 साल। 60 साल से आप और आपके पूर्वज यहीं पर रह रहे हैं, तो ये इस तरीके का जो माहौल है कि यहाँ पर हिंदू वर्ग के लोगों को दूसरे पक्ष के लोगों की वजह से परेशानी महसूस हो रही है, जिसकी वजह से वो मकान छोड़ रहे हैं। आप यही माहौल चल रहा है, एक मकान रेट ज़्यादा लगा लेते हैं तो दूसरे मकान के भी रेट बिल्कुल डाउन हो जाती है। वो एक मुसलमानों ने ले लिया, अब दूसरा माहौल बिगड़ गया, दूसरे कैसे रहें, हम कैसे रहें, क्योंकि उनका थोड़ा हिसाब और होता है, हमारा और होता है, तो इसीलिए मकान बेच बेच के लोग लड़कियाँ निकलती हैं तो छेड़ा खानी। रात को मैं निकल रही थी तो भी हमारे आगे ऐसे आ गए मुसलमान, तो हम तो बड़े हैं, एजिड हैं, तो बच्चों की रखवाली कैसे होगी। इस तरीके की बदतमीजी यहाँ पर हो रही है, आपने इस तरीके की शिकायत दर्ज? शिकायत हमने नहीं करी, बड़ों ने करी है। बहुसंख्यक लोगों के बड़ी संख्या में पलायन की शिकायत का असर यह है हुआ कि शासन प्रशासन तुरंत ही हरकत में आ गया। सुबह ही सीओ सिटी व सिटी मजिस्ट्रेट वहां पहुंच गए। तनाव बढ़ता हुए शासन के सख्त रुख अख्तियार करने का असर यह हुआ कि कुछ ही देर बाद एडीजी प्रशांत कुमार, मंडलायुक्त अनिता श्रीमेश्वरम, जिलाधिकारी अनिल ढींगरा और SSP नितिन तिवारी भारी अमले के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने दोनों पक्षों से बात की। इस बात के बाद एडीजी प्रशांत कुमार ने क्या कहा, आइए देखते हैं। ये पलायन का क्या मामला, क्या उसके अंदर सच्चाई आई, पूरी जरा एक बात बता दीजिए। आईडी कर लो, तोड़ दी जिला प्रशासन मंडलीय स्तर सभी अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया, सभी पक्षों से बात की गई। पलायन जैसे पलायन जैसी कोई स्थिति नहीं है, सभी पक्षों ने इसको एक्सेप्ट किया। TV24 कुछ यहाँ के स्थानीय समस्याएं हैं, उनका तात्कालिक समाधान भी किया गया है और वहाँ पे एक बैरियर लगा के परमानेंट पिकेटिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त वहाँ CCTV कैमरा भी लगाया जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट और CEO साहबान जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे ट्रैफिक की समस्या है, इंक्रोचमेंट की समस्याएं हैं, इलीगल शॉप्स की समस्या है, इस संबंध में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाएगा और जो स्थानीय लोगों की समस्याएं हैं वो अपना लिखित सिटी मजिस्ट्रेट और CEO साहबान को देंगे और तब आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होना है तो वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ताकि यहाँ भीड़ भाड़ कम हो, तो वो चीज़ भी लॉन्ग टर्म में देखी जाएगी। लेकिन तात्कालिक रूप से वहाँ जैसा मैंने बताया CCTV पिकेटिंग और सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो स्थानीय समस्याएं हैं वो लोग लिख के देंगे और उस पर हम लोग परीक्षण करके कार्रवाई करेंगे। पलायन क्यों, आरोप क्यों लगाया गया, पलायन क्या मुद्दा क्यों बनाया गया पलायन को इसमें? ये तो मैंने कल भी बताया था स्थानीय प्रशासन को कि पलायन की नहीं, वहाँ गेट लगाने की एक समस्या है, जो एक पक्ष की डिमांड है उसका परीक्षण कराया जाएगा, जो कानूनी तरीके से सही है वही कार्रवाई। दोनों से बात निकल के आए दिन फायरिंग सर, कोई सवाल मकान भेजने का कोई ऐसा बात नहीं है, वो मकान पहले से भी बिक रहे हैं। ये भी बात सामने आई कि कुछ लोग जिनके यहाँ संख्या ज़्यादा हो गई वो बेच के कहीं दूसरी जगह अच्छे मकान बना रहे हैं। मकान बेचना और खरीदना तो कोई पर्सनल है, लेकिन ये वहाँ कोई भय से मकान बेचने का के तथ्य से प्रकाश में नहीं आया। छेड़छाड़ की कोई शिकायत की थी और शिकायत पे कार्यवाही नहीं, ऐसी कोई बात भी सामने आई है छेड़खानी वगैरह की? सर छेड़खानी की, छेड़खाने की समस्या जो तात्कालिक हुई है उस पर कार्रवाई भी की गई है और हम लोगों ने अपराधों की भी संख्या देखी, कोई ऐसी बढ़ोतरी नहीं। और आम जनता से बात होने पे भी ये बात आई कि जो आपस में लोग सद्भाव से रह रहे हैं
कुछ लोगों की कोई जो समस्याएं हैं उसमें आगे ध्यान दिया जाएगा ताकि इस तरह के पुनरावृत्ति न हो। सर दोबारा ये मुद्दा जो बनाया गया संसद इसे राजनीति के बारे में मुझे कुछ इसको हमने जो आपको बताना था अपनी बात एक मुद्दा बना दिया पलायन का, इसको झूठा है सच है जो है, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन्होंने ये पूरा मुद्दा एकदम खड़ा कर दिया? हमें तो किसी पक्ष ने पलायन की बात नहीं कही, ये तो मीडिया में रिपोर्ट किया गया है, मीडिया वालों में थोड़ी कोई तो मीडिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं ऐसा। इससे पूर्व आज दिन भर कई मर्तबा ऐसे हालात भी बने जब वहां पर गुटबाजी खड़ी हो गई। एक गुट कह रहा था कि वह आज दूसरे संप्रदाय के कारण खुद को असुरक्षित महसूस कर घर छोड़ने के लिए तैयार है, तो दूसरा कह रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम मिराज है। मिराज मुझे ये बताइए, यहाँ पर हिंदुओं के मकान छोड़ के जाने की जो बात चल रही है इससे क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैम यहाँ पर ऐसा जैसे सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग एक दूसरे से मिलकर के रहते हैं। और जैसा ये भैया ने बोला है, इनके स्कूल में भी लगभग 60% बच्चे मुस्लिम के ही पढ़ते हैं, ये आप इनसे खुद पूछ सकते हैं, ये खुद बताएंगे कि इनके स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो 60% मुस्लिम पढ़ते हैं। ये पैदा कहाँ से हुई, ये उपज किसकी है जो इस तरीके की अफवाहें फैलाई? सब लोग अपनी तरक्की चाहते हैं, तो तरक्की में वो अपना प्लान इसलिए बेच रहे हैं कि तरक्की यहाँ से बेच करके कहीं अच्छी कॉलोनी में जा करके बसे, लेकिन अपने फायदे के लिए दूसरे पक्ष को टारगेट। ये तो देखिए मैम, ये इनका अपना पर्सनल हो सकता है, हम तो इस बारे में नहीं कह सकते क्या क्यों इस वजह से कह रहे हैं ये लोग। हालांकि कुछ लोगों ने दबी जुबान में कैमरे के सामने आने की शर्त पर बताया कि हालात तो वाकई ऐसे हैं कि उन्हें भी आज नहीं तो कल मकान बेचकर जाना ही पड़ेगा। जिस वक्त फर्स्ट बाइट की टीम वहां पहुंची, एक कपूर परिवार का सामान शिफ्ट हो रहा था। उसने कहा कि वह डर के कारण नहीं बल्कि बेहतर माहौल के कारण शास्त्री नगर में शिफ्ट हो रहा है। कपूर परिवार का मकान अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति ने लिया है। कपूर परिवार के ही पड़ोसी का कहना था कि अब उन्हें भी मकान औने पौने दाम में बेचना पड़ेगा। ऐसा ही शहर के बीच स्थित बैंक कॉलोनी में भी हुआ था। अब वहां सिर्फ एक मकान ही बहुसंख्यक का है जो अब अल्पमत में आ चुका है। हालांकि शहर में ऐसे तमाम इलाके हैं जहां से मुस्लिम भी अपने मकान बेचकर अल्पसंख्यकों के बीच आकर बस गए हैं। कुल मिलाकर कबीलियाई संस्कृति ने मेरठ को अपनी जद में ले लिया है। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।